हेलो एवरीवन आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल सो फ्रेंड्स दिस वीडियो इज रिलेटेड टू हेक्सावेयर 2022 बैच नेक्स्ट असेसमेंट मेल अपडेट काफी सारे कैंडिडेट्स मुझे इस क्वेरी पे डाउट्स पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में और ये जो हेक्सावेयर का मेटल असेसमेंट टेस्ट है ये किससे रिलेटेड है स्पीच एक्स स्पीच एक्स सीईएफआर टेस्ट होने वाला है आपका कंप्लीट पैटर्न और पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कल आपका टेस्ट है एट फेब्रवरी को उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि आपको देख सकते हैं कि आपको कुछ इस टाइप का मेल आया होगा कि हेग्जावेर मेटल असेसमेंट हेक्जा टेक्नोलॉजीज ग्रीटिंग्स फ्रॉम हेक्जावेयर थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट एज अ नेक्स्ट स्टेप यूर सिलेक्शन प्रोसेस यू विल हैव टू कम्प्लीट एन ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट प्लीज रीड द बिलो केयरफुल ठीक है तो सबसे पहले तो आपको क्लिक हियर करना है जिससे कि आप अपने डिवाइस को चेक कर सके कि वो मेटल असेसमेंट के लिए यूज कर सकते कि नहीं कर सकते आप जैसे कैमरा चेक करना पड़ेगा माइक्रोफोन भी अगर वो चेक करेगा तो करेंगे इसी के साथ साथ स्क्रीन कैप्चर होगी मैं आपको बता दूं इंश्योर दैट आपके डिवाइस में कैमरा हो इनेबल्ड हो असेसमेंट और कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन हो डू नॉट प्रेस द बैक बटन वाइल अपियरिंग फॉर द असेसमेंट मैं आपको यहां पर बता दूं अगर पावर फेलियर और इंटरनेट के इशू के, के केस में आपको फॉरवर्ड uh, नहीं करना है पेज को मूव ऑन फॉरवर्ड नहीं करना है आपको क्या करना है लॉग इन करना है और स्टार्ट करना है जहां से आपने पॉज किया था ठीक है मैं आपको यहां पर बता दू पॉपअप ब्लॉकर्स डीएक्टिवेट हू टेस्ट को स्टार्ट करने के पहले सिक्योरिटी सेटिंग्स को भी आपको ध्यान रखना है टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप इस कॉल पे इस मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ई कर सकते हैं मेटल सपोर्ट एट द रेट मरसर डॉट कॉम मैं आपको बता दू प्लीज मेन्शन स्पेसिफिकली दैट यू आर पार्ट ऑफ अ हेग्जावेर ड्राइव ठीक है आप मतलब को मैंशन करना पड़ेगा हेग्जावेर ड्राइव के पार्ट है कल टेस्ट है टेन एम से असेसमेंट लिंक ये है ऑल द बेस्ट फॉर सिलेक्शन प्रोसेस यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट रीम हेक्जावेयर कुछ इस टाइप से एक सेक्शन जब हम असेसमेंट लिंक खोल रहे तो हमको ये दिख रहा है कि स्पीच एक्स सी एफ आर टेस्ट है सीई एफ आर टेस्ट है सिक्सटी सेवन क्वेश्चन है फोर सेक्शन है 45 है अब आप सही सोच रहे हैं ये जो टेस्ट है ये इंग्लिश और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है जब मैंने हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के काफी सारी चीजें देखी तो जो ऑन कैंपस इंटरव्यूज होते हैं या ऑन कैंपस प्रोसेस होती है उसमें भी स्पीच एक्स सी एफ आर टेस्ट होता है ठीक है तो ये तो उससे रिलेटेड है पर जब हमने मेटल प्लेटफॉर्म पे देखी देखिए ये इन्फॉर्मेशन पूरी मेटल प्लेटफॉर्म पे इसलिए इसका क्रेडिट मेटल प्लेटफॉर्म को जाता है मैं आपको यहां पर बता दू कि यहां पर देखिए उन्होंने मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि उन्होंने इसके बारे में क्या लिख रखा है स्पीच एक्स क्या है वाइडली यूज है इवेल्यूटिंग जॉब स्पेसिफिक स्किल्स में ऑफ कैंडिडेट्स फॉर बीपीओ ठीक है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट या आईटीएस इंडस्ट्रीज जहां पे रोल में रिक्वायर होती है कि कस्टमर और क्लाइंट जो हो वो नेटिव स्पीकर्स हो सके मतलब यहाँ पर आपकी इंग्लिश जो रहती है वो चेक की जाती है ठीक है कम्युनिकेशन से रिलेटेड किया जाता है स्पीच एक्स जो है वो टूल बेस्ड कम्युनिकेशन असेसमेंट है जो कि असेस करता है कैंडिडेट्स एक्सपर्टाइज है कि नहीं स्पोकन इंग्लिश में ठीक है अब देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सारी चीजें बिल्कुल सेम बता रखी है कि सेक्शन चार है बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमारे केस में नंबर ऑफ क्वेश्चन सिक्सटी सेवन है और इनके केस में उन्होंने सेवेंटी वन मैंशन कर रखे पर टेस्ट लैंग्वेज इंग्लिश है टेस्ट ड्यूरेशन फोर्टी फाइव है जो भी सेम है ठीक है तो अब यहां पर उन्होंने सारी चीजें बता रखी है अब पैरामीटर ऑफ इवोल्यूशन मतलब वो कहा क्या क्या चेक कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली ये चार सेक्शन ही कल की एग्जाम में आ सकते हैं प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी ग्रामर लिसनिंग कॉम्प्रहेशन ठीक है अब उसमें आपका वो क्या क्या चीजें चेक करेंगे क्या प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, है कि नहीं वर्ड्स करेक्टली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने थॉट और ग्रामर ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे हैं लिसन uh, सुन पा रहे हैं रिसीव कर पा रहे हैं और इफेक्टिवली अंडरस्टैंड कर रहे हैं ठीक है मेटल स्पीच एक्स एक ए आई पावर्ड स्पोकन इंग्लिश इवेल्युएटर है इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट का जो कि फोर इवेलुएशन पैरामीटर को कंसीडर करता है जिससे कि असेस होती है पर्सन की स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी जैसे कि फ्लुएंसी लिसनिंग प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर मतलब वो आपकी ये चार चीजें चेक करते हैं ठीक है थीके? अब मैं आपको यहाँ पर बता दू कि क्या डिफरेंट टाइप की स्पीकिंग स्किल्स हो सकती है नॉन वर्बल पॉजेस इम्फेसिस स्ट्रेस ठीक है कम्युनिकेट कैसे करना है प्रोफेशनली प्रोफेशनली ठीक है एक्टिव लिसनिंग पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो प्रोफेशनल से रिलेटेड रहता है उससे रिलेटेड ग्रामर स्किल्स डिफरेंट टाइप की क्या स्पीच हो सकती है आपको कम्युनिकेशन मोर मीनिंगफुल कैसे बनाना है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक्टिव लिसनिंग को ठीक है तो ये कुछ इस टाइप का टेस्ट रहेगा मैं आपको यहाँ पर बता दू आप इस टेस्ट के लिए एडवांस में ही प्रिपेयर कर लीजिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बिफोर द असेसमेंट ठीक है ये स्पीच एक्स असेसमेंट टेस्ट के लिए पॉडकास्ट को सुनिए और इनहेंस करिए अपनी लिसनिंग कैपेसिटी क्योंकि कल की एग्जाम में यही चीज चेक की जाएगी कि यहां पर आपकी जो ये चार पैरामीटर्स हैं ठीक है थीके? उसमें आपकी इंग्लिश कैसी है प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी ग्रामर लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन ठीक है तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये सारी चीजें मेटल प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल है तो आप भी पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके बाकी मेटल टीम ने बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है इसलिए ये इन्फॉर्मेशन का क्रेडिट मेटल प्लेटफॉर्म को चाहता है ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल पर्पसेज के लिए वीडियो अच्छी है लाइक कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो